उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार फैलने से पिछले 10 दिनों में 53 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अकेले 46 बच्चे हैं। इतनी बड़ी तादाद में एकाएक बच्चों की मौत से यूपी में हड़कंप मच गया है। अब योगी सरकार ने इस पूरे मामले में जांच बिठा दी है। दूसरी तरफ फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डरा देने वाली हैं। यहाँ पर बुखार पीड़ित बच्चों का तांता लगा हुआ है और उनके माता पिता अपने बच्चों के जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक बच्चों की मौत के असल कारणों को लेकर जांच चल रही है। कुछ जानकार इसके पीछे वायरल बुखार को एक बड़ा कारण बता रहे हैं। इस पर फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलके गुप्ता का कहना है कि अधिकतर बच्चे वायरल बुखार से ग्रसित हैं और इनमें से कुछ बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। फिलहाल अस्पताल में 186 लोग भर्ती हैं। इनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। वहीं अब एहतियात के तौर पर जिले के डीएम चंद्र विजय सिंह ने 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि फिरोजाबाद में फैली इस रहस्यमय बीमारी में बच्चों को बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसके अलावा मरीज में तेज बुखार और प्लेटलेट्स गिरना भी देखा गया है। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 210 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। अस्पताल में भर्ती बच्चों के इलाज के लिए कन्नौज, इटावा और आगरा से डॉक्टर्स की टीम फिरोजाबाद पहुंच चुकी है। वहीं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर संगीता ने कहा कि अस्पताल में डेंगू के 23 पॉजिटिव केस हैं। हम बच्चों पर निगरानी बनाए हुए हैं और ब्लड प्लेटलेट्स गिरने की स्थिति से निपटने के लिए हमने ब्लड बैंक भी बनाया है। अस्पताल से अधिक संख्या में बच्चों को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बच्चों की कोरोना जांच भी कराई गई है, लेकिन कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला। फिरोजाबाद के अलावा यूपी के मैनपुरी और मथुरा में भी डेंगू जैसे वायरल बुखार के मामले सामने आए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन फिरोजाबाद में हो रही मौतों के पीछे डेंगू का शक जता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोजाबाद की 8 से 9 कॉलोनियों में डेंगू के संदिग्ध मामले मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी ने फिरोजाबाद अस्पताल का दौरा किया था। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बच्चों के ब्लड सैंपल को लखनऊ पीजीआई भेजने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सीएम मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने उनके घर भी गए थे। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जाँच कराना चाहते करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बुखार का पहला मामला 18 अगस्त 2021 को सामने आया था।